नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ एक समस्या हो गई है और यह समस्या बहुत बड़ी है और आज हम लोग इसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। तो जो समस्या है वह है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड में क्या पढ़ें। बस इसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखने की, जिससे आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो भी डाउट हैं, सब क्लियर हो जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात मैं यहां पर बोलना चाहता हूं उसको सभी लोग ध्यान से सुने। हम जो यहां पर बताते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, वह जरूरी नहीं है कि 100% वही पेपर में लिखा आ जाए, क्योंकि हम पेपर नहीं बनाते हैं। पुराने पेपर्स को देखकर एक आइडिया लगाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बिल्कुल 100% बात बोलना चाहता हूं कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं, यदि आप वह पढ़ लेते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, ये तो गारंटी है। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले पहले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप नोट कर लें। और जो सिलेबस यहां पर सामने आपको दिख रहा है पहले चैप्टर का, इसको बार बार देखना बंद कर लें, सिर्फ जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसी को आप नोट कर लें। तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमें सबसे पहले इस चैप्टर में दो भाग हैं। पहला है गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। गैस टरबाइन में हमें जो पहला यहां पर लिखा एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं आगे बताऊंगा। पहला टॉपिक हो गया पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के अंदर। दूसरा यहां पर आपको दिख रहा होगा ओपन साइकिल गैस टरबाइन, और दूसरा हो गया और तीसरा टॉपिक हो गया। ये तीन ही टॉपिक हमें पढ़ना है पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में। कितने? तीन। ये तीन टॉपिक आपको ऐसे पढ़ना है जिस तरह हमने थ्योरी प्रोवाइड कराई है। जैसे कि कोई भी साइकिल मान लो, ओपन साइकिल मान लो या क्लोज साइकिल मान लो या फिर एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल मान लो, हम लोग नॉर्मली इंट्रोडक्शन किसी का भी पढ़ते हैं तो यहां भी पढ़ना पड़ेगा। उसका डायग्राम है वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसमें जो कंपोनेंट यूज किए गए उनको भी समझना पड़ेगा, उसकी वर्किंग भी समझना पड़ेगी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझना पड़ेंगे, उसका जो पीवी और टीएस डायग्राम है, यहां पर लिखा है पीवी और टीएस डायग्राम, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग देखेंगे तो पीवी और टीएस डायग्राम भी समझना पड़ेगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहां पर लिखा ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें पढ़ना पड़ेंगे। बकाया यहां पर जो सिलेबस लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है यहां पर जितना, ये सिलेबस देखना बंद कर दें। जैसा मैंने बताया इन तीनों साइकिलों के बारे में वैसा आप पढ़ लें, बस याद रहे सिलेबस देखना बंद कर दें अभी से। जो भी टाइम बचा आपके पास एग्जाम में उस टाइम को यूज करें और तीनों टॉपिक ही नोट कर लें। और तीनों टॉपिक के बारे में जैसे पढ़ना है वैसे मैंने बता दिया, मतलब डिटेल्स में पढ़ना है इन तीनों टॉपिक के बारे में, चाहे वो पीवी या टीएस डायग्राम हो, चाहे इसका वर्किंग डायग्राम हो या फिर इसका इंट्रोडक्शन हो, एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो या फिर इसकी एप्लीकेशन हो। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब नीचे चलते इसका सेकेंड जो भाग है जेट प्रोपल्शन, इसको भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखें जो नॉर्मली जेट प्रोपल्शन जैसा लिखा है, यदि प्रिंसिपल लिखा है तो इसका प्रिंसिपल समझ लें, डायग्राम वगैरह है तो वो भी समझ लें। अब इसका जब जेट प्रोपल्शन अच्छे से समझ लेंगे तो फ्यूल वगैरह वैसे ही उसी के अंदर आ जाएंगे, एप्लीकेशन भी उसी के अंदर आ जाएंगी जब आप जेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे। मतलब पहला टॉपिक ये आपको इतना अच्छे से ये वाला तैयार कर लेना, तो इसके अंदर जितना भी यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको सिलेबस ही बार बार नहीं पढ़ना है यहाँ पर जो लिखा है ना, ऐसा पढ़ के आप यदि तैयारी करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हमें जेट प्रोपल्शन की डिटेल्स जो भी मैंने प्रोवाइड कराई है, नोट्स हो या फिर वीडियो, वही हमें पढ़ना है।
अब यहां पर जो लिखा टर्बोजेट इंजन और क्या लिखा हुआ है राम इफेक्ट और रामजेट इंजन, इसके अलावा क्या लिखा रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट इंजन, एप्लीकेशन ऑफ रॉकेट इंजन, क्या लिखा कंपैरिजन ऑफ जेट। ये जेट और रॉकेट प्रोपल्सन में कंपैरिजन जरूर पढ़ लें, ये कंपैरिजन पढ़ लेंगे आप लोग पहले इसका। इसके बाद अब यहां पर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है तो नॉर्मली इसका टर्बोजेट इंजन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डायग्राम जरूर देखना है, राम इफेक्ट का भी एक नॉर्मल टॉपिक है 3 नंबर में पूछा जाएगा मैक्सिमम, तो इसका भी डायग्राम होता है या फिर राम इफेक्ट क्या है, व्हाट इज राम इफेक्ट, तो 2 नंबर की या 3 नंबर की डेफिनेशन पूछा जा सकता है। राम जेट इंजन हो सकता है ना पूछा जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं। रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में भी नहीं कह सकता हूं कि पूछा जा सकता है, लेकिन रॉकेट इंजन है इसके बारे में हो सकता पूछा जाए, रॉकेट इंजन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यहां पर टर्बोजेट इंजन है हो सकता है इसके बारे में भी पूछा जाए, नहीं तो मुझे लग रहा है अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार्टिंग में जेट प्रोपल्सन के जो भी यहां पर टॉपिक दिए उन्हीं में से कोई एक टॉपिक पूछ लिया जाएगा। यदि आप जेट प्रोपल्सन फिर भी आप पढ़ लें, आपके पास समय है, जेट प्रोपल्सन टर्बोजेट इंजन हो गया, रॉकेट इंजन हो गया, और जो यहां दोनों में डिफरेंस लिखा है ये डिफरेंस पढ़ लें, इतना तो आप लोग पढ़ लेंगे। उम्मीद है ये जो पहले यूनिट के सिलेबस की समस्या खत्म हो गई है, जैसा मैंने हाईलाइट कर दिया वैसा ही आप पढ़ लें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है मतलब आज सबसे बड़ी कंफ्यूजन, एक चीज और बताना भूल गया, जो पहला चैप्टर था उसमें किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पेपर में आता है तो भी नहीं करना है, नहीं आता तो करना ही नहीं है, आप उसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं हम लोग उलझे नहीं कि उसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं पहले चैप्टर की, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, जो मैंने बता दिया उतना ही पढ़ लें। सेकेंड चैप्टर एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जो लोग भी सिलेबस पढ़ते तो ऐसा लगता है हम थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं कुछ, जैसे यहां पहला लिखा ना फॉर्मेशन, क्या लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये जो इतना बड़ा जो हेडिंग है ये आधे सिलेबस को खत्म करता है, ये जो आधा सिलेबस लिखा हुआ है इसको खत्म कर देगा यदि आप फॉर्मेशन ऑफ स्टीम अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं। इसका डायग्राम है बाकायदे, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का पूरा डायग्राम कि कैसे स्टीम जनरेट होती है, उसमें जो टर्म आते हैं चाहे वो सेंसिबल हीट हो, लेटेंट हीट हो, स्टीम हो, ड्राई स्टीम हो, बेट स्टीम हो, सुपर हीटेड स्टीम हो, ये सभी टर्म की डेफिनेशन हमें आना चाहिए विथ फॉर्मूला। क्या समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का जो डायग्राम हम लोग समझेंगे उसमें जो टर्म आएंगे कौन से, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, बेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, सेचुरेशन टेम्परेचर, ये जो टर्म है ये हमें याद होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन विथ जो इसके फॉर्मूले होते कुछ के वो भी हमें याद होना चाहिए, हमें सिलेबस नहीं देखना, जैसा मैं बता रहा हूं वही आप नोट कर लें तो ये आपसे बन जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देखें क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, ये शायद ट्रिपल क्रिटिकल पॉइंट है, क्या होता हो सकता ना पूछा जाए, फिर भी देख लेना अगर कहीं से नोट्स मिल जाए क्रिटिकल पॉइंट के बारे में लिखा हो, इसके अलावा हमें छोड़ देना। अब यहां पर क्या है आगे दिख रहा है, एक और वर्ड आ गया ड्राइनेस फ्रिक्शन, इसकी भी डेफिनेशन हमें याद कर लेना है, व्हाट इज ड्राइनेस फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला हमें याद करना है, ड्राइनेस फ्रिक्शन का डेफिनेशन और फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, बकाया इसमें कुछ नहीं करना। आगे हम लोग चलेंगे तो अब क्या होती है, जो स्टीम है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बोल दिया था, हो सकता है तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टीम की प्रॉपर्टीज है वो यहां पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो जब आप स्टीम की प्रॉपर्टीज याद करेंगे किसकी लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम कौन कौन सी होती है, तो ये सब ढेर लगा हुआ है इसमें, यही सब प्रॉपर्टीज है स्टीम की। आप लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पे अलग से वीडियो बनाइए या फिर नोट्स तो मैंने प्रोवाइड करा दिए, लेकिन प्रॉपर्टी स्टीम कुछ अलग से नहीं है, यहाँ पर जो नाम लिखे चाहे इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, ये जो यहाँ पर जितने भी टॉपिक के नाम लिखे उस सब हमें जितने भी याद हो जाए उस सब इसके बारे में लिख के आ जाए अगर पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में, तो उम्मीद है। अब जो यहाँ पर लिखा मोलर चार्ट तो ये बनाना सीख ले, इसके जो थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन कर दिया वैसा आप इसके बारे में पढ़ लें, तो क्या टॉपिक होगा, एक तो ये हो गया
दूसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, नहीं छोड़ भी देंगे क्रिटिकल पॉइंट तो भी चलेगा, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें याद कर लेना है, मोलर चार्ट को भी याद कर लेना है, लेकिन फॉर्मेशन स्ट्रिप में जो डेफिनेशन मैंने बताई है उनको याद करना ना भूलें, क्योंकि उन पर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी दोनों पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें। मोलर जब चार्ट हो जाएगा इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है यहां पर लिख रहा है कैलोरी मीटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता, क्या कैलोरी मीटर, सेपरेटिंग, थ्रॉटलिंग और कंबाइंड, ये तीन टाइप्स के मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, हमने देखा होगा वीडियो भी बनाए हैं और नोट्स भी प्रोवाइड कराए, सेपरेटिंग कैलोरी मीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरी मीटर और कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरी मीटर, ठीक है। तो ये जो कैलोरी मीटर है डिफरेंट टाइप्स के, तीन टाइप्स मिलेंगे, तीनों को विथ डायग्राम हमें याद कर लेना है, मोलर चार्ट याद कर लेना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन याद कर लेना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पढ़ लेना है, और स्टीम की जो प्रॉपर्टीज हैं सभी टाइप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें अच्छे से याद कर लेना है, कम से कम अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लिख सकें, या जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे उन टर्म्स की डेफिनेशन पूछी जाती तो हम लोग उनके बारे में लिख सकें, इतना आप लोग समझ गए। अब इतनी थ्योरी रटने के बाद यदि हमारे पास समय है और आपको लगता है आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे अच्छे आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दो या तीन कराए हैं, दो या तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से पहले कि आपसे बन सकते या नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें स्टीम टेबल का यूज है, क्या है स्टीम टेबल का यूज करना है, यदि आपसे बन सकते हैं तो आप लोग क्या करेंगे उनको अच्छे से देख लें, और आप ये ना सोचें कि जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वही सेम के सेम आ जाएंगे, संभव नहीं है, लेकिन उस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूले जो मैं वहां पर बताऊंगा वही फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जैसे स्टीम टेबल मैंने वैल्यू निकालना सिखाई है वैसे ही आपको निकालना है, क्वेश्चन की भाषा हो सकता अलग हो लेकिन जो निकालना है वो वही टर्म निकालना है जो मैंने न्यूमेरिकल बताए हुए वीडियो में, तो वह दो तीन वीडियो है वो अच्छे से देख लें, अगर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे ही तो आपसे बन जाएंगे, और मुझे पता है अगर वो बदल देता तो वैसे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंटों से तो बनेंगे ही नहीं, तो अगर आपको डाउट है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर मैं सही नहीं निकाल पाऊंगा और आंसर गलत हो सकते हैं, फॉर्मूले भी गलत हो सकते हैं, तो जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें कि न्यूमेरिकल ही करके आना, आपसे जो थ्योरी बनेगी उसको आप अच्छे से साफ सुथरे डायग्राम बनाकर लिख कर आए, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरी तरह गलत हो जाएगा और नंबर जीरो हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी आप कर देते हैं तो आपको कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व तभी करें जब आपसे अच्छे से बन रहा हो, याद रखें। तो इस चैप्टर की समस्या खत्म हो जाती है, ये जो मैंने यहां पर टर्म्स हाईलाइट कर दिए इनको आप कॉपी पर लिख लें और इनकी डिटेल्स पढ़ें, सिलेबस को देखना, ये सेकंड यूनिट तो देखना ही बंद कर दें। अब जो आपको यहां पर लिखा एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा, याद रखें प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे स्ट्रीम के तो उसके अंदर आएगा, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा, सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है आपको, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनकी डेफिनेशन भी मिलेगी और आपको याद भी करना है, इनके जो फॉर्मूले होते हैं एंथैल्पी का भी फॉर्मूला है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले भी आपको देखना है, याद रखें, या आप कुछ ना करें जो भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कराई है, नोट्स हो चाहे फिर वीडियो हो, उसमें जितना बताया आप उतना तो कम से कम अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही, चाहे मैं वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ या फिर नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन वही आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये जो सेकंड चैप्टर का सिलेबस तो, और दूसरे चैप्टर का आप देख भी ले लें, लेकिन इसका तो बिल्कुल नहीं देखना है सिलेबस, क्योंकि इसको देखकर तो कई स्टूडेंट ही घबरा जाते हैं कि ये तो ये कैसे तैयार करेंगे हम लोग, तो टॉपिक जो मैंने हाईलाइट किए दो रेक्टेंगुलर बना हुआ है ये रेक्टेंगुलर देख के नोट कर लें और इनको याद कर लें। अब थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं, अब ये चैप्टर भी देख के लगेगा कि आप कैसे तैयारी करें, तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको सबसे पहले स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि बॉयलर किसे कहते हैं और बॉयलर का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए हमें इतना पता होना चाहिए कि बॉयलर क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है और उसके क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के बॉयलर होते हैं, इतना सबसे पहले याद कर लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए।
फिर हमें जो बॉयलर यहां पर नाम लिखे, इन बॉयलर को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। यहां पर देखो हाईलाइट करते हैं, बॉयलर हमें जो जितने भी टाइप्स की है तो अच्छे से पढ़ ही लेना हमें। ये जो बेबकॉक एंड बिलकॉक्स बॉयलर है, ये बार बार वैसे पूछा, कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो ये हमारा हो गया, दूसरा बॉयलर हो गया। अब देखेंगे कंपेरिजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आता है। वो अब आगे पूछा जाए ना पूछा जाए, मैं हमेशा पिछले पेपर्स के आधार पर बताता हूँ, याद रखें, आगे की गारंटी देता हूँ। तो जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर होते हैं। ये दोनों बॉयलर भी तो आपको पढ़ना है, जो मैंने बता दिया इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर और भी कोई बॉयलर है उनको भी पढ़ लेना भाई, गारंटी नहीं है भाई, पूछ दिया उसने तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बॉयलर के बारे में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ऐसा खाली नहीं जा सकता है, याद रखें। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बॉयलर, हाईलाइट हो गए, याद कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है बॉयलर की माउंटिंग्स। ये बॉयलर की माउंटिंग्स पर मैंने पुराना वीडियो पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं वीडियो बना दूंगा बॉयलर की माउंटिंग्स पर। यदि उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे माउंटिंग्स क्या होती है। तो जो बॉयलर की माउंटिंग्स हैं उसमें कुछ तो हाईलाइट है जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं बताऊंगा वीडियो में। लेकिन बॉयलर्स की माउंटिंग्स किसे कहते हैं, मतलब क्या फंक्शन है बॉयलर की माउंटिंग्स का और कितने टाइप्स की होती हैं, वह हमें याद होना चाहिए। टाइप्स आपको कहीं लिखा नहीं दिख रहा हो तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, टाइप्स ये सब लिखे हुए हैं यहां पर, आप देख रहे हैं सब बॉयलर की माउंटिंग्स के नाम लिखे हुए हैं, कहां तक यहां तक, तो इनके नाम याद रख लें तो भी आप लिख पाएंगे कि बॉयलर की माउंटिंग्स ये होती है। फिर नेक्स्ट बॉयलर की, बॉयलर एसेसरीज का क्या फंक्शन है, बॉयलर के अंदर बॉयलर की एसेसरीज का क्या फंक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। बॉयलर की एसेसरीज का क्या फंक्शन है और कितने टाइप्स की बॉयलर की एसेसरीज होती है। तो यहाँ पर बॉयलर की एसेसरीज का भी नाम लिखा, फीड पंप हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, सुपर हीटर हो गया, एयर प्रीहीटर हो गया। जब मैं बॉयलर समझाता हूं तो उसमें इन सब के फंक्शन मैंने समझाए हुए हैं। तो बॉयलर की एसेसरीज पर तो मैंने वीडियो बना दिया पहले से, इसकी मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी सबकी, तो उसमें एक बार पढ़ लें, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं, फंक्शन पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बॉयलर एसेसरीज लिख दें, उसका डेफिनेशन बताएं, फिर जो यहां पर नाम लिखे इनके क्या फंक्शन है कंबाइंड डायग्राम बना के समझा दें। तो बॉयलर की एसेसरीज हो गई, आराम से आप समझ पाएंगे। अब क्या है यहां पर आगे दिख रहा है, और भी कुछ स्टीम टाइप्स एंड सेपरेटर, हो सकता है क्वेश्चन ना पूछा जाए इसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हैं बॉयलर। अब जो बॉयलर इफिशियंसी है, फॉर्मूला ऑफ एबव टर्म विदाउट प्रूफ, सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम्स और एबव, ठीक है। अब जो ड्रॉट, ये ड्राफ्ट है दिख रही है आपको ड्राफ्ट। अब जो नेचुरल एंड फोर्स ड्राफ्ट, इन इनको जरूर पढ़ लें, यहां पर मैं बॉक्स लगा देता हूं। नेचुरल एंड फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस, तीन टाइप्स के जो ड्राफ्ट यहां पर लिखे हैं, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तीनों टाइप का आपको पढ़ लेना है, पढ़ लेंगे आप उम्मीद है। अब यहां पर फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात आती है, तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है, मैं करवा तो दूंगा लेकिन गारंटी नहीं रहती है। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर कि आपसे बन जाएगी और 70 नंबर का पेपर कहीं ना कहीं से फंस जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 5 हमें करने पड़ते हैं। हम क्या 70 नंबर का नहीं है कि जब मुझे लग रहा है कि हम फेल ना हो जाएं तो 50 से 50 नंबर का भी आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, और 50 नंबर की तो गारंटी थ्योरी फंस जाएगी, जैसा मैं बता रहा हूँ यदि आप वैसे तैयार करके आते हैं। तो जो बॉयलर की इफिशियंसी वगैरह है देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल हमें मिल जाते हैं तो अभी धीमे धीमे कुछ ना कुछ वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन आप उस पर बेस्ड नहीं है, न्यूमेरिकल पे बिल्कुल डिपेंड ना रहें। न्यूमेरिकल इसलिए कर लें कि हो सकता है सेम जो करके जा रहे हो आप वह फंस जाए, वैसे तो फंसने वाला नहीं है लेकिन फंस जाए, हो सकता है। तो अभी मुझे सिर्फ सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि बनते हैं तो आप तैयार कर लें, लेकिन थर्ड चैप्टर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्किप कर दें, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब है फोर्थ चैप्टर। अब फोर्थ चैप्टर में हम क्या करें तो बहुत अच्छे समझें कि जो फोर्थ चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम स्टीम नोजल, है ना, जो स्टीम नोजल है इसको हमें डिफाइन करना सीखना है, और स्टीम नोजल की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या टाइप्स, है ना, टाइप्स, जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को हमें याद करना है, क्या जितने भी टाइप्स हैं उनको हमें याद करना है इस चैप्टर के अंदर, स्टीम नोजल उसके टाइप्स को हमें याद करना है, पहली बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें जो यहां पर लगा क्रिटिकल प्रेशर रेशो, तो
क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशो, या फिर हो सकता है मैंने, मुझे याद नहीं है, पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन बताए होंगे, तो उसको आप देख लें क्रिटिकल प्रेशर रेशो क्या होता है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन नोजल, हाँ ये हो सकता है नोजल के अंदर फ्रिक्शन है उस पर क्या इफेक्ट रहते हैं, ये आप जो इफेक्ट है उनको थोड़ा पढ़ लें, ये मन से भी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी लिख सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जी। हाँ ये आ गया, इसको जरूर आप याद कर लें, वर्किंग ऑफ स्टीम जेट, स्टीम जेट इंजेक्टर, वर्किंग ऑफ स्टीम जेट इंजेक्टर को आप तैयार कर लें, ये हो सकता है मैंने करवाया हो लेकिन थ्योरी तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, तो स्टीम जेट इंजेक्टर है इसको आप तैयार कर लें, ये पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा यहां पर, ये जो हमारा स्टीम नोजल है उसकी डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन तैयार करें, क्रिटिकल प्रेशर रेशो पढ़ लें, और जो हमारा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है नोजल के अंदर इसको पढ़ लें, और जो वर्किंग ऑफ स्टीम जेट इंजेक्टर को अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कौन से करना, उतने ही करना जितने मैं करवा चुका हूं अभी, इससे तीन या तीन न्यूमेरिकल या चार न्यूमेरिकल ऐसे कुछ मैंने करवाए हैं, उन दो या तीन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें, उनके फॉर्मूले याद कर लें बस। यदि उस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बनना चाहिए, और नहीं पूछे जा रहे कुछ भी उनने ऐसा बदल दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दें उसको, स्किप कर दें, बिल्कुल डिपेंड ना रहे न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल तो हमें देख कर जाना पढ़ के जाना लेकिन उस पर डिपेंड नहीं, डिपेंड तो हम थ्योरी से, थ्योरी पर डिपेंड है, पास हम उन्हें थ्योरी से जा रहे हैं न्यूमेरिकल से नहीं, याद रखें। इसलिए न्यूमेरिकल, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे कंसेप्ट नहीं है कि न्यूमेरिकल पे आप डिपेंड होकर जा सकें, न्यूमेरिकल अगर घुमाता है कुछ भी पूछता है तो आपसे बन सके, ये प्रॉब्लम है आपके साथ, इसलिए आप न्यूमेरिकल पे डिपेंड ना रहें, न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्व करवाए उसको देख लें, उसको पढ़ लें, उसको नोट कर लें, उसके फॉर्मूले याद कर लें, यदि सेम का सेम पूछा जाता है या उसमें वैल्यू परिवर्तन करके पूछी जाती है तो आप सॉल्व करके आए कॉन्फिडेंस के साथ, यदि नहीं पूछी जाती तो आप उसको स्किप करके जो थ्योरी मैंने बताई है इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे आएंगे वह आपसे बन जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर देखते हैं, तो स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन का पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि स्टीम टर्बाइन को क्या डिफाइन करिए और क्लासिफिकेशन, स्टीम टर्बाइन को डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब स्टीम टर्बाइन किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छे से याद रखें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम पर पहला क्वेश्चन बन जाता है और ये पहले भी पूछा जाता था इसलिए आप इसको पहले आपको याद करना होगा। इसके बाद ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस याद करना ना भूले ना, ये पूछा जा सकता है। यहां पर फिर जो सारी टर्बाइन है डी लेवल टर्बाइन है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब जो वर्क डन है ये सब छोड़ दें आपको, मतलब इतने आप करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस सब के सब छोड़ दें आप लोग। फिर बहुत प्रेशर वेल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइन डायग्राम ये वाला आप, नेक्स्ट टर्बाइन है पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन इसको जरूर देख लेना। सिंपल प्रॉब्लम की बात आ गई है। इसके अलावा हाँ एक जो अगर हम देखें तो जो है गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इसको जरूर पढ़ लें, गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन को पढ़ लें याद कर लें, जो यहां पर लगे थ्रोटल बायपास जे वाला लास्ट वाला इसको, जो डिफरेंट टाइप्स के हमें टर्बाइन तो याद करना ही है, इसके अलावा लास्ट में ए थ्योरी में हमें याद कर लें डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्निंग है इनको अच्छे से हमें पढ़ लेना है। अब आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात, न्यूमेरिकल हम रखे अब जो या बीच में जो थ्योरी लिखी दिख रही सभी चैप्टर में, यदि आप इसको पढ़ते रहेंगे और हमें मैसेज करते रहेंगे कमेंट करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया इनको रटेंगे आप, अभी इतना समय है इन सबको रट सकते हैं, उसी से आपका उद्धार या पास होने वाले हैं, ये भी आप याद रखें। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मतलब उनकी प्रॉब्लम है बीमारी है, अब वो क्या करेंगे, ये टॉपिक मैंने बताए हो सकता है उन्हें पढ़ लियो याद, अब उन्हें याद कर लिए तो क्या करेंगे, यहाँ बीच से जो जो टॉपिक लिखे हैं इनको उठा के हमें मैसेज कर देंगे कमेंट कर देंगे सर ये नहीं मिल रहा है, तो ये सब इन्हीं टॉपिक के जो इनकी टॉपिक की डिटेल्स है वो यहाँ लिखी हुई है, इन टॉपिक के अंदर हमें ये सब पढ़ना है,
तो जो कमेंट वगैरह करते तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करते रहें, क्योंकि मैं डिसाइड करके बता चुका हूं कि आप ये पढ़ लें, मतलब पढ़ लें। अब इसके न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है यदि आपके पास समय है तो। न्यूमेरिकल में मैंने दो या तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं अभी स्टीम टरबाइन के, दो या तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए स्टीम टरबाइन के, बकाया बचे हुए जो न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल है शायद बचे हुए हैं, वो मैं और करवा दूंगा। यदि ये जो चार से पांच न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए हैं वो आप सॉल्व कर लें, यदि उस तरह के सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आपसे बनना चाहिए, वैल्यू परिवर्तन करके पूछे आते हैं तो भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूले वगैरह वो जो तरीका सॉल्व करने का सीख कर जाएंगे। यदि एकदम बदल देता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आप बिल्कुल छोड़ दें, थ्योरी अटेम्प्ट कर लें। याद रखें, कंफ्यूजन जहां पर भी क्वेश्चन पढ़ के होती है न्यूमेरिकल में, तो उसको जबरदस्ती करके टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आपके नंबर पूरे चले जाएंगे। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ बनता है न्यूमेरिकल तभी सॉल्व करें। आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी इसके अंदर दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, यदि आप करना चाहते हैं तो, वैसे तो मैंने तो पढ़ाया है, कहां गया कंपाउंडिंग लिखा होगा कहीं ना कहीं, कहां पर लिखा हुआ है, वर्किंग लाइन डायग्राम हो गया, तो इसमें जो कंपाउंडिंग लिखा वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी जो कंपाउंडिंग है वह जरूर देख लें, यदि यदि सिलेबस में लिखा होगा कहीं तो। जो कंपाउंडिंग मैंने वैसे पढ़ा दिए हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए, तो आपको समय मिलता तो पढ़ लें, तो इस तरह आप तैयार कर लें, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इतना आप तैयार करके रिवीजन कर लें, अच्छे से पढ़ लें, रट लें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।